올라가네. 말. कर रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, उसके बहुत शेड्स हैं और बहुत डिफरेंट रोल है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं इस फिल्म में एक एंग्लो इंडियन लड़की का रोल कर रही हूँ। मेरा बोलने का स्टाइल और बिहेव करने का स्टाइल सब कुछ एक एंग्लो इंडियन लड़की की तरह है। और एक सेक्रेटरी प्ले कर रही हूँ मैं एक फॉरेनर बॉस को, तो आई थिंक मेरे लिए ये रोल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इसको। फिल्म्स में मैं मॉडलिंग के थ्रू आई। पहले तो मैं कॉलेज कर रही थी, कभी सोचा नहीं था कि फिल्म्स करूँगी। तो कॉलेज में एड्स के ऑफर्स आए मुझे और फिर मैंने वहाँ से मॉडलिंग की और वहाँ से मेरे फोटोग्राफ्स देख के मुझे फिल्म्स ऑफर हुए। हाउ डू यू फाइंड वर्किंग इन मूवीज, आपको कैसा लगता है? हार्ड वर्क है बहुत ज़्यादा एंड इट्स गुड, इट्स फन। अच्छा काम करो तो अच्छा लगता है। इस मूवी में किसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं? रोहित कुमार के ऑपोजिट। हाउ इज इट टू वर्क विद हिम? बहुत अच्छा एक्टर है वो और बहुत कोऑपरेटिव एक्टर है, बहुत अच्छा पर्सन है, इज वेरी फ्रेंडली एंड आई थिंक आई एम एंजॉयिंग वर्किंग विद हिम। अभी ये जो आप सीन पे चेराइज कर रहे थे इसके बारे में कुछ बताइए। वेल इस सीन में मैं अब्रॉड से फॉरेन से अभी अभी आई हूँ और होटल में आती हूँ और रोहित कुमार होटल के मैनेजर हैं, तो इसमें मेरा कैरेक्टर इस्टेब्लिश होगा कि मैं कैसे उनसे बात करती हूँ वो इंग्लिश एक्सेंट में, यू नो व्हाट इज़ दिस प्लेस एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिस सीन इज़ बेसिकली मेरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सीन है। रोहित, ये जो आप मूवी कर रहे हैं प्लीज चला सकते। ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ इसका टाइटल सेना है, मुकेश दुग्गल जी की फिल्म है एंड आई एम को स्टारिंग इसके अंदर। मेरे जो बाकी कलाकार हैं अयूब खान, मानिक बेदी, करीना ग्रोवर, सिमरन एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रोल फॉर मी टू डू इन दिस फिल्म। आई एम प्लेइंग अ वेरी कैसिनोवा टाइप ऑफ अ बॉय हू इज वर्किंग इन अ फाइव स्टार होटल एंड हू फ्लर्ट्स अराउंड ऑल यू नो विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से वो और उसका दोस्त अयूब एक प्रॉब्लम में आते हैं एंड हाउ दे गेट सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम को एंड दे गेट आउट द होल थिंग। आपकी पहली मूवी जो अच्छा डिडंट रियली डू वेल, राइट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस मूवी?
वेल मूवीज जो अच्छा बिजनेस करती नहीं करती वो तो कुछ बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे हाथ में होता नहीं है, पब्लिक बताती है. लाइक मेरी पहली फिल्म आजमाइश, लोगों को म्यूज़िक इतना पसंद था, पीपल लाइक माई वर्क वेरी मच, मेरा काम बहुत पसंद आया, लेकिन इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं किया फिल्म ने. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. हर फिल्म या हर बिजनेस जो होता है, कभी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं उसमें. तो इस फिल्म के बारे में मैं ये कहूँगा कि हम उम्मीद तो रखेंगे कि एकदम परफेक्ट फिल्म बने और अच्छी फिल्म बने, लोगों को पसंद आए, एंड इट शुड रन वेरी वेल. एक्सेलेंट. यू डोंट फील वर्किंग विद द न्यू गर्ल, एंड आई एम माई सेल्फ न्यू, बट आई एम जस्ट मे बी वन फिल्म ओल्ड, दैट्स ऑल आई कैन से. बट इट्स गुड टू वर्क, एंड वी हैव अ गुड रेपो. आई एम डूइंग अनदर फिल्म विद हर ऑल्सो, दो फिल्में कर रहा हूँ उनके साथ. तो यू डोंट सेट पे वो फीलिंग नहीं आती कि यू नो शी इज़ न्यू, आई एम न्यू, डायलॉग बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, वट एवर. परफेक्ट एंड वेरी नाइसली वी मिंगल टुगेदर ऑल्सो. क्योंकि एक्चुअली तीन दोस्तों की कहानी है, जो किस तरीके से मैं उनको बिछड़ तो नहीं कह सकता, बट कुछ समय के लिए दे के सेपरेटेड, और कैसे समय उनको साथ में लाता है, और जब लाता भी है तो एक ऐसे प्रॉब्लम ले आता है जो वो तीन ही मिलकर सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज़ अ स्टोरी यू कैन से के गुड फ्रेंड्स दे गेट अलग हो गए, दोबारा मिले, लेकिन मिले जब वहाँ उनके पास एक कॉम्प्लिकेशन, एक टेंशन थी, उसको कैसे उन्होंने क्लियर किया. तो वो कहते हैं कि हमें किसी की सहारा, किसी का सहारा नहीं चाहिए. तो अपनी ही एक सेना, अपनी एक टीम बनाकर वो जाके दे फाइट आउट फॉर द राइट्स जो उनके मतलब प्रॉब्लम हुई, एंड सॉल्व करते हैं अपने आप को. वेल दिस इज़ के मेरे लाइक आई टोल्ड यू, होटल में लॉबी मैनेजर का रोल कर रहा हूँ मैं. तो करीना इज़ कम फ्रॉम अब्रॉड और उस होटल में आती है, एंड जिस तरह के मैंने कहा कि आई एम प्लेइंग अ कैसिनोवा, लड़की देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, एक्साइटमेंट हो जाती है. तो शी इज़ गिवन अ रूम इन द होटल. तो ये रूम में पहला पहुँचा हुआ लड़का जो मैं हूँ मतलब, और रूम को एक्स्ट्रा डेकोरेट कर रहा है, एक्स्ट्रा ये देख रहा है टीवी ठीक है कि नहीं, फ्लावर्स है कि नहीं, कोको कोला, यू नो ऑल दोस थिंग्स, एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल बेसिकली. वो ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर मेरा कुछ चक्कर चल जाए मतलब बेसिकली. दिस इज द सीन वे इज कम टू यू नो एक्ट वेरी कूल विद द गर्ल एंड गेट क्लोज टू हर. दिस इज द सीक्वेंस. रोहित या करीना या क्लिकिंग क्लिकिंग साहब आज जी रोहित जी या रोहित जी.